Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी लेटर को हम कहाँ पर क्या पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, उसका क्या रूल है, क्या मेथड है, सब बताया था मैंने आपको. उसके बाद अगर आप बुक की रीडिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बहुत ही सहूलियत होगी. फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सी को हम कब क पढ़ते हैं और कब स पढ़ते हैं. ओके फ्रेंड्स, सी एक ऐसा लेटर है जिसका उच्चारण अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, यानी कि कहीं पर क होता है तो कहीं पर स होता है. तो आज हम इसको समझेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर और आप लिखना पढ़ना इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली जो भी सारी वीडियो हैं वो आप ज़रूर देख लें. सारा का सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें. अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा. अगर आप बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं कखा गगा से तो आप सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, वहाँ पर जाकर देख लें. ओके फ्रेंड्स, तो सो शुरू करते हैं. सी, सी एक ऐसा लेटर है जो कहीं पर इसका उच्चारण क क से होता है तो कहीं पर स से होता है. कहाँ पर क होता है और कहाँ पर स होता है ये हम समझने वाले हैं. ओके फ्रेंड्स, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये 100% लागू नहीं होता है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरी तरह से 100% ऐसा ही होता है. हाँ, ज़्यादातर मोस्टली यानी कि 90% ऐसा ही होता है. तो आपको 90% चीज़ें पता हो जाती है कि क्या है. फिर 90% जब आप पढ़ने का अभ्यास करने लगेंगे, पढ़ते 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 पढ़ते, फिर 10% आपको खुद ब खुद पता चलने लगता है, आइडिया मिलने लगता है कि उसको क्या पढ़ना चाहिए या किसी भी अमुक वर्ड्स का उच्चारण क्या करना चाहिए. ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सी के तुरंत बाद कोई भी कॉन्सोनेंट हो. कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वॉवेल होता है आई O U E और U, सॉरी A, ये पांच वॉवेल्स होते हैं. अगर इनके अलावे कोई भी लेटर आता है सी के तुरंत बाद तो वहाँ पर उसका उच्चारण क होता है, क. ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हम कोई वर्ड्स लेते हैं बी ए सी के, तो यहाँ पर सी के बाद के है, के इसमें से आ रहा है नहीं आ रहा है, वो कंसोनेंट है यानी कि वॉवेल नहीं है, तो इसमें से नहीं आ रहा है, वो अलग है. तो यहाँ पर उच्चारण के का सी का क ही होगा. ओके फ्रेंड्स, तो बैक हो गया, एन ई सी के नेक हो गया, आर ओ सी के रॉक हो गया. अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर के भी है और सी भी है, तो सी का उच्चारण नहीं हो रहा होगा, के का हो रहा होगा. सही सोचा आपने. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर या तो आप सी को क पढ़ लो या के को क पढ़ लो, बात बराबर है. ओके फ्रेंड्स, बट ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें हम सी का उच्चारण नहीं कर रहे हैं या के का उच्चारण नहीं कर रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर के भी हटा देते हैं तो रॉक होता है, आर ओ सी रॉक ही होता है और आर ओ सी के रॉक ही होता है. ओके फ्रेंड्स, बट इसका स्पेलिंग है, यहाँ पर कोई भी एक चीज़ साइलेंस हो सकता है, या सी या के. अभी उसके बाद है परफेक्ट, यहाँ पर देखो के नहीं है, परफेक्ट है, सी के बाद टी है, कॉन्सोनेंट है, इसमें से कोई भी नहीं है. अब है डायरेक्ट, डायरेक्ट इसमें भी सी के बाद टी है. ओके फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट सी के बाद टी है, ऑब्जेक्ट कलेक्ट, यानी कि ज़्यादातर एक ही जैसा वर्ड से लेटर आ रहा है, यानी कि सी के बाद टी आ रहा है, तो वहाँ पर उच्चारण इसका क हो रहा है. ओके फ्रेंड्स, अभी दूसरा है, जब सी शुरू में हो, सी जब किसी भी वर्ड के शुरुआत में होता है तो उसका उच्चारण ज़्यादातर क से ही होता है. ओके फ्रेंड्स, जैसे हम कोई वर्ड्स के द्वारा समझ लेते हैं, सी ए बी कैब, सी यू पी कप, सी ए एस टी कास्ट, सी ए आर ई केयर, सी एल ए आई एम क्लेम, सी आर ई ए एम क्रीम, सी ए आर डी कार्ड, सी आर ई ए टी क्रिएट. ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर कुछ अपवाद हो सकते हैं 10%, जैसे मैंने बोला ना 90% लागू होता है, 10% अपवाद में होते हैं. जैसे यहाँ पे शुरू में है सी, फिर भी सेंटर बोलते हैं उसको, कैंटर नहीं बोलते हैं. यहाँ पर शुरू में सी तो यहाँ पे सिटी बोलते हैं उसको, किटी नहीं बोलते हैं. ओके फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ वर्ड है, ये आपको हम
पढ़ना सिखाने के लिए हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इस तरीके से पढ़ा जाता है, उच्चारण किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे, तो आपको खुद ब खुद नॉलेज हो जाएगा, आइडिया मिलने लगेगा कि किस वर्ड्स का उच्चारण क्या होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अभी तीसरा है, सी के बाद जब वॉवेल्स खासकर आई और ई हो तो सी का उच्चारण स होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे पी एल ए सी ई, तो सी के बाद क्या है, ये वॉवेल है, इसमें से है ई है, सी ई, तो पी सो प्लेस हो गया। एम आई सी ई माइस हो गया, इसको हम माइक नहीं पढ़ते हैं, माइस पढ़ते हैं। और कभी कभी हम जब किसी नाउन के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम माइक पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन वहाँ पर माइक में ई लास्ट में नहीं होगा, एम आई सी होगा, सी लास्ट में होता है तो क आता है, बट उसके बाद अगर कोई वॉवेल आता है तो स उच्चारण हो जाता है, तो माइस हो गया, डिवाइस हो गया, पीस हो गया, हैंस, पेंसिल, सी के बाद यहाँ पर आई आया है, यानी ये भी वॉवेल है, ये आई, पेंसिल, फेस, ग्रेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये नियम है सी को उच्चारित करने का कि कहाँ पर क बोलते हैं और कहाँ पर इसका उच्चारण स में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश लिखने पढ़ने बिल्कुल नहीं आता है, तो आपकी पहचान में है, आपके नज़दीकी हैं, तो उनको आप ज़रूर बताएं और उन तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी आपकी वजह से सीख सके। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।